का सबसे बड़ा रोल ये होता है कि आप अपने काम को ना डिवाइड करो, टास्क को डिवाइड कर लो। तो मैं आपके लिए अगर बात करूँ तो आपके पास जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ना, सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर दीजिए कि, और सबसे पहले ये डिसाइड करो कि सबसे टफ कौन सा है, ठीक है। तो जो सबसे टफ हो उससे सबसे पहले काम करना स्टार्ट कीजिए। इससे होगा क्या कि जब आप पहला ही टास्क सबसे टफ वाला कंप्लीट कर लोगे, क्योंकि देखो कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, बिकॉज एज यू नो इम्पॉसिबल में भी आई एम पॉसिबल छुपा हुआ है। तो जाहिर सी बात है जब आप सबसे टफ टास्क पहले ही अचीव कर लोगे, खत्म कर लोगे, यू विल गेट थ्री थिंग, तीन चीज़ें। स्ट्रेस खत्म हो गया, ठीक है, क्योंकि वो टास्क ओवर हो चुका है। यू विल गेट कॉन्फिडेंस ऑल्सो, कॉन्फिडेंस। एंड थर्ड थिंग विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, यू विल बी पॉजिटिव अबाउट योर सेल्फ कि जब ये काम कर लिया तो आगे तो किसी चीज़ से डर ही नहीं लगने वाला है। सो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो सबसे हार्ड पार्ट है वहाँ से स्टार्ट करो, एंड यू विल डेफिनेटली, जब अपने हार्ड पार्ट कंप्लीट कर लिया ना, बाकी काम करने में तो आपको टाइम भी कम लगने वाला है, तो डेफिनेटली यू विल डू द टाइम मैनेजमेंट। और हम क्या करते हैं, इजीज वाले टास्क खत्म करते जाते हैं, और इसके लिए क्या करते हैं, टालने वाली, अरे अभी नहीं, थोड़ी देर बाद, अरे थोड़ी देर बाद नहीं, थोड़ी देर बाद, एक घंटे, दो घंटे, शाम को, दोपहर में, रात में, कल देखा जाएगा। और वो कल की वजह से क्या होता है ना, ये टास्क आपका आगे की तरफ कैरी होता चला, तो जब रोज का कैरी होता चला जाएगा तो कहीं ना कहीं तो दिक्कत हम ही को आने वाली है आगे चल करके। तो सो कोशिश करो कि जो भी सबसे हार्ड पार्ट है उसे वहाँ से स्टार्ट करो, और आपकी चीज़ें उतनी ही ज़्यादा बेटर हो सकती हैं। फिर अगर हम लोग सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, सेकेंड, आपने अगर कोई चीज़ डिसाइड करी है तो स्टिक टू योर वर्ड्स। अगर आपने डिसाइड किया कि मुझे 7 से 9 बैठ के पढ़ना है, तो 7 से 9 दुनिया चाहे कुछ भी कहे, दुनिया ये भी कह दे कि भैया कुछ होने वाला है, तब भी आपको नहीं उठना, चाहे जो हो जाए। क्यों? क्योंकि मैं अपने वर्ड्स पे टिका हूँ, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे अपना काम, अपना टास्क को कंप्लीट करना है। स्टिक टू योर वर्ड, ठीक है, एंड डोंट डिस, क्यों? क्योंकि देखो इससे क्या होता है ना, दो चीज़ें हो रही है। आप आज समय को इज्जत दोगे, समय आपको इज्जत देगा आगे चल करके, और अगर आज समय को आप इज्जत नहीं दोगे तो आगे भी आपको दिक्कत होने वाली है कहीं ना कहीं। तो आज समय से खेलोगे, समय कल आपसे खेलेगा, तो दिक्कतें हम ही लोगों को होगी। तो उससे बेहतर यही चीज़ है कि आज से ही उस समय के साथ में उतनी ही समय को भी इम्पोर्टेंस दी जाए। जब हम लोगों ने कोई टास्क डिसाइड किया है तो उसको करें। और सबसे बड़ा जो पॉइंट है जो हम लोगों को डिस्ट्रैक्ट करता है वो है सोशल मीडिया। तो एक काम मत कर दो, इंटरनेट को ऑफ कर दो, ठीक है, इंटरनेट को ऑफ करो और अपनी पढ़ाई में लग जाओ, वो 2 घंटे के लिए। 2 घंटे बाद अपना टाइम डिसाइड करना, 5 मिनट के लिए बैठ करके ऑन कर लेना, 15 मिनट के लिए ऑन कर लेना, सब करना, लेकिन पहले पढ़ाई करना है। तो सो स्टार्ट डूइंग वन थिंग मोर कि आपको उस टाइम को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है, टाइम को वेस्ट मत करो, क्योंकि वो टाइम वापस लौट करके नहीं आएगा। पढ़ाई कर सकते हो लेकिन वो टाइम आपको वापस नहीं मिलेगा। फिर अगर हम लोग बात करते हैं तीसरी चीज़ को लेकर के, डिसाइड 80-20 रूल, ठीक है। अब ये 80-20 रूल क्या चीज़ होता है, इस रूल को हम लोग परेटो प्रिंसिपल कहते हैं। परेटो एक पर्सन थे, ठीक है, उन्होंने ये डिसाइड किया हुआ था कि जो भी हम लोगों की बॉडी क्लॉक है या फिर जो हमारे दिन भर का काम टास्क होते हैं उसका 80% हिस्सा किसी 20% काम से आ रहा था। तो अपने काम को पहले देखो सुबह से लेकर के क्या चीज़ है। अगर हमारा सुबह की शुरुआत अच्छी होती है ना तो हमारा दिन अपने आप अच्छा हो जाता है। अगर सुबह की शुरुआत ही ख़राब हो तो दिन अपने आप बिगड़ जाता है। अब सपोज़ करो अगर हम 5 मिनट भी लेट हो गए तो दिमाग में टेंशन चल रही है, अरे लेट हो गए। अब उसी के चक्कर में बाकी सारी चीज़ें भी लेट हो जाएंगी, उसी के चक्कर में क्या होगा, बाकी सारी चीज़ें भी आपकी लेट होती चली जाएंगी। तो उस चीज़ों को डिसाइड करो कि आपके काम में भी, आपके वर्क आवर्स में भी ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि आपको सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती हो। मोबाइल फ़ोन निकल करके आंसर आएगा, हो सकता है, ठीक है, या फिर अगर आप गेमिंग करते होगे तो गेमिंग का एग्जांपल आएगा। तो अगर आपने गेमिंग को 10 मिनट भी ज़्यादा दी है तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट आपके बाकी सारे टास्क को लेकर के ज़रूर आएगा। क्योंकि सबसे आसान तरीका बताओ, गेमिंग करने बैठो, अगर आप वेब सीरीज़ देखने बैठ जाते हो, अगर आप मोबाइल पर कोई चीज़ कर रहे हो तो उसमें टाइम कैसे चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो सो डिसाइड योर थिंग कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके इस रूल को, आपका जो ये टाइम मैनेजमेंट उसे बिगाड़ रही है, तो उसका जो रेशियो है उसको कंट्रोल करो और आप अपने आप 80% प्रोडक्टिविटी में चले आओगे। फिर अगर हम लोग नेक्स्ट चीज़ की बात करते तो एक सर उसी के चक्कर में क्या होगा, बाकी सारी चीज़ें भी आपकी लेट होती चली जाएंगी। तो उस चीज़ों को डिसाइड करो कि आपके काम में भी, आपके वर्क आवर्स में भी ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि आपको सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती हो। मोबाइल फ़ोन निकल करके आंसर आएगा, हो सकता है, ठीक है, या फिर अगर आप गेमिंग करते होगे तो गेमिंग का एग्जांपल आएगा। तो अगर आपने गेमिंग को 10 मिनट भी ज़्यादा दी है तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट आपके बाकी सारे टास्क को लेकर के ज़रूर आएगा। क्योंकि सबसे आसान तरीका बताओ, गेमिंग करने बैठो, अगर आप वेब सीरीज़ देखने बैठ जाते हो, अगर आप मोबाइल पे कोई चीज़ कर रहे हो तो उसमें टाइम कैसे चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो सो डिसाइड योर थिंग कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके इस रूल को, आपका जो ये टाइम मैनेजमेंट उसे बिगाड़ रही है, तो उसका जो रेशियो है उसको कंट्रोल करो और आप अपने आप 80% प्रोडक्टिविटी में चले आओगे। फिर अगर हम लोग नेक्स्ट चीज़ की बात करते
तो एक सिस्टम है क्वाड्रेट सिस्टम हम लोग इसको कहते हैं। तो इस क्वाड्रेट सिस्टम को मैं आपको सिस्टम इस क्वाड्रेंट सिस्टम में अगर आप देखो तो मैंने क्या किया है, मैंने इसको ब्लॉक को, मतलब आपको अपने टाइम को ना डिवाइड करना है, अर्जेंट नॉट अर्जेंट, इम्पॉर्टेंट और नॉट इम्पॉर्टेंट। अब आपको ये देखना है कि कौन से टास्क कैसे है। अब कुछ टास्क आपके पास होंगे ना जो कि अर्जेंट भी और इम्पॉर्टेंट भी है, जैसे आप लोगों को अभी बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी करनी है, जो एग्जाम्स है और जो उसकी प्रिपरेशन है वो अर्जेंट भी है और वो इम्पॉर्टेंट भी है, तो आपने उसको वहाँ पर रख दिया। फिर आपने बोला नॉट अर्जेंट लेकिन इम्पॉर्टेंट है, जैसे मान लो कुछ नोट्स की स्टडी करनी होगी, ठीक है, तो वो आपका कैसा हो गया कि वो अभी इतना वो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपको नोट्स की स्टडी करनी है, लेकिन वो इतना अर्जेंट नहीं है कि हो सकता है अभी आपको नहीं पढ़ना हो। अब जैसे नॉट इम्पॉर्टेंट पर लेकिन अर्जेंट होता है। अब जैसे क्या है कि वो जैसे ईमेल्स हो गए आपके पास में, कुछ ईमेल्स है, कुछ मैसेजेस है, न्यूज़ है, वो है, ये सब है, लेकिन अब क्या है कि भाई कुछ अपडेट भी हम लोगों को रखना पड़ता है, कोई साइंस की कुछ नई चीज़ें तो नहीं आ गई या कुछ भी चीज़ें, तो वो अर्जेंट है, थोड़ा बहुत टाइम दे करके जल्दी से कर लीजिए आप, ठीक है। या कोई कॉल्स वगैरह को कोई आंसर देना है या कुछ करना है, कभी किसी के पास में भाई एज ए भाई आप स्टूडेंट से एडमिट कार्ड्स वगैरह चेक करना है या कोई भी चीज़ है, तो उस तरह की चीज़ें इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन अर्जेंट होती है, तो आप उसके लिए टाइम निकाल सकते हो। और फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि इंपॉर्टेंट भी नहीं होती है और वो अर्जेंट भी नहीं होती है, जैसे मान लीजिए आप कोई वेब सीरीज़ है आपको वॉच करनी है, कोई मूवी है, ठीक है, या कुछ गेमिंग का कुछ है आपके पास में, या कुछ भी करना है जो भी आप लोगों ने कभी डिसाइड करके रखा होगा, तो वो सारी चीज़ें आप इसमें कर सकते हो। तो इस तरीके से अपनी चीज़ों को अपने टास्क को डिवाइड करो ताकि आप अपने टाइम को प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सको, तो ये भी आपके पास में हो गया, ये रूल नंबर 4 है। फिर है छोटे छोटे गैप्स लेना, ये हम लोगों ने पहले भी बोला हुआ है कि आपको गैप्स लेना भी बहुत ज़रूरी होता है। कंटिन्यूएशन अगर आप 2 घंटे बैठ के पढ़ रहे हो तो फिर आपको कम से कम 10 से 15 मिनट की गैप लेनी चाहिए, और 10 से 15 मिनट की गैप में आप म्यूज़िक सुन सकते हो, आपको जो पसंद आता है आप वो करो, आर्ट करो, स्केचिंग करो, जो अच्छा लगे वो करने की कोशिश करिए। तो ये सारी चीज़ें। फिर नेक्स्ट चीज़ है कि अब जैसे मान लो कभी क्या हो गया ना कि आपने आप कोई पार्टी पे चले गए या कोई जगह घर पे पूजा हो गई या कोई ऐसा चीज़ हो गया जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते थे, जैसे लोगों ने बोला ना अर्जेंट भी नहीं है लेकिन आप वो इंपॉर्टेंट भी है, जैसे घर में पूजा ही हुई, अगर ऐसा कोई टास्क है आपके पास में तो आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते, घर में हो रहा तो कैसे अवॉइड करोगे। लेकिन द फैक्ट अब ऐसा ना करो कि उसके चक्कर में अब आप पूरे दिन में जो आपने शेड्यूल किया हुआ था उसको आप अवॉइड करो, नहीं, आपके पास घर में रात में अगर 1 घंटे भी बचता है तो वो जो 6 घंटे की चीज़ है चाहे उसे आप 10-10 मिनट ही करो, लेकिन उसको ज़रूर हैबिट में लेकर के आओ, क्योंकि इससे क्या होगा ना आपका रिदम नहीं टूटेगा, आपकी बॉडी को लगेगा कि नहीं, अगर आपका माइंड ये समझ जाएगा कि नहीं इसको ये चीज़ चाहिए तो फिर वो आपकी बॉडी भी आपका साथ देगी। और आप देखना आप 1 घंटे के लिए पढ़ो बैठोगे लेकिन आप उस जगह पर 2 घंटे पढ़ के बैठोगे, क्यों, क्योंकि वो आपको उस चीज़ को समझ आ रहा है, पूरे दिन तो कुछ किया नहीं, तो जाहिर सी बात है वो प्रोडक्टिविटी आपकी मेंटेन हो और आपकी बॉडी उस चीज़ को लेने के लिए भी रेडी हो जाएगी। तो कोशिश ये करो अवॉइड नहीं करना किसी चीज़ को, अवॉइड करने की जो हैबिट है आज नहीं कल, तो ये याद रखना कल कभी भी नहीं आता है, ये हमेशा रिमेम्बर करना बेटा, कल कभी भी नहीं आता है, कल आने वाला भी है और कल जो बीत चुका है, तो कल कभी भी आज के तौर पे बन करके नहीं आएगा, वो हमेशा कल के तौर पे ही रहेगा। तो कोशिश ये करो कि अपनी चीज़ों को और अपने टास्क को कंप्लीट करके रखो। और सबसे लास्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये चीज़ है, ठीक है, टेक इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन अब क्या चीज़ है कि जाहिर सी बात है जो भी इंसान आपको अच्छा लगता हो, जो भी आपका रोल मॉडल हो, जिसकी वजह से भी आप अपने एक टास्क को अपने डिसाइड किया है कि मेरे 90% आने चाहिए, 95% आने चाहिए, मेरी गवर्नमेंट जॉब लग जानी चाहिए, मेरा ये हो जाना चाहिए, वो हो जाना चाहिए, जो भी चीज़ है, उन इंस्पिरेशन को भी अपने सामने अपने स्टडी एरियाज में ज़रूर लगा करके रखो ताकि आप उनको देखते रहो और आपको हमेशा ये मोटिवेशन मिलता रहे कि नहीं मुझे तो ये काम करके ही दिखाना है, मुझे तो ये बन के ही दिखाना है, मुझे तो ये चीज़ करनी है। तो इससे क्या होगा, वो भी आपको एक टाइम मैनेजमेंट करने में भी आपको एक पॉजिटिव पॉइंट मिलेगा। तो होप करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।